सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। देखा जाए तो पूरे विश्व की तरक्की में आज महिलाओं का योगदान पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए विश्व को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, व्यापार, विज्ञान, प्रगति और सेना में भी वे बराबर का योगदान दे रही हैं। इसी कड़ी में आज आदर्श क्लब सिंहपुर की तरफ से बालिका कबड्डी टीम चैंपियंस विजेता टीम के खिलाड़ियों का स्वागत समारोह किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुभाषा प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने इस अवसर पर स्टेट मीडिया संवाददाता से अनौपचारिक साक्षात्कार में बताया कि कबड्डी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और मजबूती का खेल है। आज हमारे बनारस जिले के सिंहपुर ग्राम की बालिकाओं ने जो चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर सिंहपुर ग्राम के साथ साथ बनारस का भी नाम रोशन करने का काम किया है। महसूस की जहाँ तक बात है, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है कि मैं अपनी बच्चियों को अपने हाथ से उनके कर्म का, एक खिलाड़ी का जो कर्म होता है और कर्म में विजेता घोषित होने के बाद हमारे हाथ से अगर मैं उनको आशीर्वाद और पुरस्कार दे रहा हूँ, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सिंहपुर के ग्रामवासियों को, खासकर सिंहपुर आदर्श क्लब जो बिहारी राम पाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को कबड्डी की प्रतियोगिता और कबड्डी का अभ्यास कराकर और इस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाया है, जिसका परिणाम आप लोग के सामने है। कल ही मैच हुआ है और कल ये लोग विजेता घोषित हुई हैं। उनको मेमेंटो जो हमारे सामने पड़ा है उनको मिला है। मैं कहना चाहता हूं खासकर कोच जो हैं बिहारी राम पाल जी से कि आपका जो यह सराहनीय कदम है, अगर हर गांव में इस तरह के लोग पैदा हो जाएं तो मुझे लगता है आने वाले समय में लड़कियों को खासकर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से कबड्डी का खेल को जिगर से, मजबूती से लड़ने का काम और जितना जीतने का काम सर, अगर यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चियों को खेलने के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, अगर आप सरकार में भागीदारी बनते हैं तो उसके बाद आप इनके लिए कुछ करेंगे? देखिए, विडम्बना है कि कई बार कई सरकारें इस उत्तर प्रदेश में आई और आज तक यह कबड्डी का खेल जो भारत से ही शुरू हुआ और भारत में पहले पुरुष खेलते थे, अब बेटियाँ खेल रही हैं, यह बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात है। उसके बावजूद भी इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, यह दुख की बात है। मेरी सरकार आए या ना आए, सरकार में केवल मेरी भागीदारी भी हो जाएगी तो मैं इन लोगों के खेलने के लिए जो इनकी क्या है कप्तान, कैसा लगा जीत करके? बहुत खुशी हुई। कितनी मेहनत की थी जीतने के लिए आप लोगों ने? बहुत मेहनत। कहाँ टूर्नामेंट हुआ था आपका? सर हरी शिवपुर में। ओके, क्वेश्चन है, आप लोग राज्य सरकार से क्या चाहती हैं? आप लोगों के लिए सुविधाएं चाहती है कुछ तो बताइए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए? हम लोग को तो बहुत सुविधा चाहती है। हमारे यहाँ मैट नहीं है, मिट्टी पे लड़कियाँ प्रैक्टिस करती हैं जी। हैंड पंप नहीं, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है जी। आज सम्मानित होकर के कैसा लगा आप लोगों को? बहुत खुशी हुआ।